ये देखें दोस्तों, बारिश इतनी तेज़ आई है कि जो है ना अंदर भी पानी आया है, कि जो है ना हवा के साथ बारिश आई है। परिंदे तो सारे होके ये मौसम जो है थोड़ा बीमार हो जाते हैं, बट कराची का आज मौसम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम काशिफ है और मेरे चैनल का नाम है काशिफ बट ब्लॉग से मेरे दोस्तों। आज देख सकते हैं कराची के अंदर जो है वो बारिश आई है। ये देखें मेरी छत का हाल क्या हुआ है अभी। और कराची का आज मौसम बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें। मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारा, ये देखें दोस्तों, ये जो ग्रीन शेड है ये पूरा भीग गया है। अब जो है ये यहाँ पर जो है मैं शॉपर लगाऊंगा, इसको पैक करूँगा, क्योंकि हवाएं भी बहुत तेज़ चल रही है। मेरे जो परिंदे हैं वो भी माशाल्लाह से सेव हैं, मैंने अंदर से पूरा सेव कर दिया है। इनको रुक गई है, मतलब हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। मैं आपको जो है बादल का नज़ारा कराता हूँ। देखिए दोस्तों कैसे हो रहे हैं बादल, काले काले बिल्कुल। कराची के अंदर जो है आज बहुत तेज़ बारिश आई है, देखें आप लोग। और मेरी जो पूरी छतरी फूट गई है, और ये देखें मैंने वैसे तो सेव किया हुआ है, ये जो मैंने पिंजरा बनाया था ना, तो ये ऊपर से जो है क्रॉस में है, ताकि पानी वगैरह आता है तो वो नीचे आ जाता है। देखें यहाँ पे गिर जाता है सारा पानी। और मैंने छत अपनी ऐसी बनाई हुई है कि वहाँ कोने पे नकासी दी हुई है, तो सारा पानी जो है नीचे जाता है और वहाँ से निकल जाता है। मैं आपको एक नज़र दिखाता हूँ फिंच की क्या हाल है। ये देखें दोस्तों, बारिश इतनी तेज़ आई है कि जो है ना अंदर भी पानी आया है, क्योंकि जो है ना हवा के साथ बारिश आई है। माशाल्लाह से परिंदे मेरे सारे सेव है, ठीक है, परिंदे तो सारे होके। यहाँ कहीं पानी नहीं आया है, बस यहाँ पे पानी आया है, और वो भी जो पानी आया है ना, वो साइड की जो जाली खुली हुई है ना, वहाँ से आया है। यहाँ से जो है ना एक तरफ से मैंने खुला रखा हुआ है इसी वेंटिलेशन के लिए। आज जो बारिश आई है वो इस तरफ की आई है, तो पानी यहाँ से जो है अंदर आया है। यहाँ पे जो है डब रखी हुई है सामने, तो मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी पानी आया हुआ है उसी तरीके से। और सामने आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखें सामने सामने जो है मैंने यहाँ पे जो है एक प्लास्टिक बिछा दिया है, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। ये तो माशाल्लाह से सेव है पूरा। परिंदे हम रखते हैं इसमें, हमें बारिश का भी ख्याल रखना है, मौसम का भी ख्याल रखना है, और मौसम के अंदर जो डाइट चलती है उसका भी ख्याल रखना है। दोस्तों सर्दियों की जो डाइट है वो भी आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा दोस्तों देखें, अभी ये जो है ना ग्रीन कलर का जो शेड है, अब ये तो जो मौसम चल रहा है ना सर्दियाँ, तो इसमें अभी ये काम नहीं आएगा। इसके लिए ये कि हमें प्लास्टिक लेना पड़ेगा, ताकि जो है अब ये मैं पूरा कवर कर लूँ और इसके अंदर जो है ठंडी हवा ना जाए। एक तरफ से बस जो है खुला रखना है वेंटिलेशन के लिए। तो आज मैं जाऊंगा प्लास्टिक लेकर आऊंगा, तो जब मैं प्लास्टिक लेकर आऊंगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं प्लास्टिक इसको किस तरीके से लगाता हूं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ख्याल रखें अपने बर्ड्स का, क्योंकि ये मौसम जो है फौरन बीमार हो जाते हैं बर्ड्स। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।